हेलो गाइस, वेलकम टू कीवी किचन किंग। आज हम इडली सैंडविच केक बनाएंगे। बहुत ही इजी और अच्छी रेसिपी है और न्यू रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इडली सैंडविच केक बनाना। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 10 रुपये वाला पार्ले जी का पैकेट लिया है। इसका रैपर निकाल के बिस्किट्स निकाल लेंगे और हमने क्रीम बिस्किट से वाइट क्रीम निकाल ली है और 1/2 कटोरी शुगर, 1 कप मिल्क। ये हमने बिस्किट्स निकाल ली रैपर से। अब इसे छोटे पीस में ऐसे तोड़ लेंगे सारे बिस्किट्स को और जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे एकदम बारीक। ये हमने बिस्किट को एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब हम शुगर को भी इसी तरह बारीक ग्राइंड कर लेंगे। हमने शुगर को भी ग्राइंड कर लिया है। अब हमने बाउल में बिस्किट को डाल लिया है, बिस्किट पाउडर को। अब इसमें शुगर पाउडर डाल देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मिल्क डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। एक कप मिल्क में से 1/2 कप मिल्क हमने इसमें डाल लिया है। हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम बैटर को 5 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। क्योंकि हम इडली केक बना रहे हैं, इसलिए इडली स्टैंड पर घी या फिर बटर लगा लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं तो इसमें बेकिंग सोडा डाल लेंगे 1/4 चम्मच और बेकिंग पाउडर डाल लेंगे 1/4 चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस की 4 ड्रॉप डाल लेंगे। अब इस पेस्ट को 2 बाउल में 1/2 1/2 निकाल लेंगे। पेस्ट को हमने 1/2 1/2 निकाल लिया है। अब एक पेस्ट में ऑरेंज कलर डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डाल लेंगे, और एक पेस्ट में ग्रीन कलर, इसको भी थोड़ा सा डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। दोनों पेस्ट रेडी हो गए हैं। अब हम गंजी रख देंगे स्टैंड लगाकर और 1 ग्लास पानी डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर करके हीट होने रख देंगे। इस तरह हम एक एक स्पून रख लेंगे। 2 हमने ऑरेंज कलर की रख ली है, अब 2 ग्रीन कलर की रख लेंगे। ये हमने रख ली है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कतरी डाल लेंगे इस तरह से। और अब इसे गंजी में रखेंगे। वाटर हीट हो गया है, अब स्टैंड को रख देंगे और इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। ये हमारी क्रीम है, इसमें 3 चम्मच मिल्क डाल लेंगे और इसे मेल्ट करेंगे लो फ्लेम पर। इसे मेल्ट करेंगे। क्रीम और मिल्क मिक्स हो गया है, थोड़ा सा इसे बॉईल होने देंगे। ये क्रीम हमारी गाढ़ी हो गई है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी इडली केक रेडी हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल कर ठंडा होने देंगे। ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये हमने इडली केक को स्टैंड से निकाल लिया है। अब इसमें क्रीम लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर वाइट क्रीम लगा लेंगे इस तरह से।
और फिर मलाई लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑरेंज वाली इस तरह रख देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारे इडली केक रेडी हो गए हैं। बहुत ही इजी हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई करिए घर में और हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।